हमारे साथ होते आ रहे हैं और ऐसे आज भी भारत के कई जगहों पर लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं। अगर हमारे हाथ में अपनी सुरक्षा है तो हम सुरक्षित हैं, हर फैमिली के साथ में होना चाहिए। और ये तो लास्ट लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। गुरु साहब ने जो खालसा सजाया है, मैं समझती हूँ कि ये जो मेरा बाणा है ये खुद एक शस्त्र है, ये अपने आप में एक शस्त्र है और ये एक शास्त्र भी है। सामने वाला देखकर समझता है कि इसके अंदर क्या है, देखकर हमें हाथ जोड़ता है। कल तक जो मेरा अपमान करते थे आज वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसमें, क्योंकि जरूर इसमें एक शास्त्र है, ये अपने आप में एक शक्ति है, शास्त्र भी है शक्ति भी है, ये शस्त्र भी है, ये बाणा अपने आप में बोलता है। मैं महसूस करती हूँ इस चीज को जब से मैंने खालसा को अपनाया है, आज की इस युग में अगर ये चीज मुझे महसूस हो रही, इसको वो लोग समझ सकते हैं मुझे लगता है जो उस जमाने में उस दौर में जो हमने देखा उससे गुजरे हैं, उन्हें इसे पाकर कितनी शांति मिली होगी, कितना सुकून मिला होगा। और वो लोग समझ सकते हैं जो मेरी तरह इस युग में उस तरीके के दौर से गुजरे हैं, आए हमारे साथ होते आ रहे हैं और ऐसे आज भी भारत के कई जगहों पर लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं। अगर हमारे हाथ में अपनी सुरक्षा है तो हम सुरक्षित हैं, हर फैमिली के साथ में होना चाहिए। और ये तो लास्ट लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। गुरु साहब ने जो खालसा सजाया है, मैं समझती हूँ कि ये जो मेरा बाणा है ये खुद एक शस्त्र है, ये अपने आप में एक शस्त्र है और ये एक शास्त्र भी है। सामने वाला देखकर समझता है कि इसके अंदर क्या है, देखकर हमें हाथ जोड़ता है। कल तक जो मेरा अपमान करते थे आज वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसमें, क्योंकि जरूर इसमें एक शास्त्र है, ये अपने आप में एक शक्ति है, शास्त्र भी है शक्ति भी है, ये शस्त्र भी है, ये बाणा अपने आप में बोलता है। मैं महसूस करती हूँ इस चीज को जब से मैंने खालसा को अपनाया है, आज की इस युग में अगर ये चीज मुझे महसूस हो रही, इसको वो लोग समझ सकते हैं मुझे लगता है जो उस जमाने में उस दौर में जो हमने देखा उससे गुजरे हैं, उन्हें इसे पाकर कितनी शांति मिली होगी, कितना सुकून मिला होगा। और वो लोग समझ सकते हैं जो मेरी तरह इस युग में उस तरीके के दौर से गुजरे हैं, आए हमारे साथ होते आ रहे हैं और ऐसे आज भी भारत के कई जगहों पर लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं। अगर हमारे हाथ में अपनी सुरक्षा है तो हम सुरक्षित हैं, हर फैमिली के साथ में होना चाहिए। और ये तो लास्ट लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। गुरु साहब ने जो खालसा सजाया है, मैं समझती हूँ कि ये जो मेरा बाणा है ये खुद एक शस्त्र है, ये अपने आप में एक शस्त्र है और ये एक शास्त्र भी है। सामने वाला देखकर समझता है कि इसके अंदर क्या है, देखकर हमें हाथ जोड़ता है। कल तक जो मेरा अपमान करते थे आज वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसमें, क्योंकि जरूर इसमें एक शास्त्र है, ये अपने आप में एक शक्ति है, शास्त्र भी है शक्ति भी है, ये शस्त्र भी है, ये बाणा अपने आप में बोलता है। मैं महसूस करती हूँ इस चीज को जब से मैंने खालसा को अपनाया है, आज की इस युग में अगर ये चीज मुझे महसूस हो रही, इसको वो लोग समझ सकते हैं मुझे लगता है जो उस जमाने में उस दौर में जो हमने देखा उससे गुजरे हैं, उन्हें इसे पाकर कितनी शांति मिली होगी, कितना सुकून मिला होगा। और वो लोग समझ सकते हैं जो मेरी तरह इस युग में उस तरीके के दौर से गुजरे हैं।